जय हिंद मुरीद, आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप बोलिए बोलिए। सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन है और दूसरा हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर, बिल्कुल पूछिए, दोनों पूछिए। मैं पिछले 5 साल से पुलिस विभाग में काम कर रहा हूँ। किस विभाग में? सर, पुलिस डिपार्टमेंट में। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब किन घटनाओं पे हमें ज्यादा फोकस करना है, जो घटित होते हैं यूपी में या फिर ऑल इंडिया कहीं पे, जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड घटनाएं होती हैं। और दूसरा परफेक्ट, क्वेश्चन सर ये है कि इस समय सर पुलिस सुधार पे बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो हमें उसका क्या अप्रोच होना चाहिए हमें उन घटनाओं को समझने में, और सुधार क्या फ्यूचर में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस संबंध में हम कैसे सोचें। बहुत बढ़िया। तो पहले इसी का आंसर देता हूँ। बहुत बढ़िया, आपके मामले एकदम मामला क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक 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 डिपार्टमेंट के व्यक्ति से यही बात एकदम उम्मीद की जाती है कि वो इस चीज को लेकर बड़ा जागरूक है कि लॉ एंड ऑर्डर वाली, जैसे अब मैंने भाई बताया, जैसे देवरिया कांड हुआ था, ठीक है, देवरिया कांड हुआ था, कुछ पब्लिक मैनेजमेंट वाले जो इश्यूज हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर वाले इश्यूज हैं, कुछ केस स्टडीज वाले इश्यूज हैं, कि ऐसे समय में पुलिस को जी क्या करना चाहिए। जो तत्काल न्याय वाला सिचुएशन है ना, जो भाई जनता एकदम पगलाती है ना, कि भाई तुरंत जस्टिस, ऑन द स्पॉट जस्टिस होना चाहिए, कि भीड़ ने पकड़ के मार दिया, उसमें आपका व्यू क्या होगा, पहली बात। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें खास तौर पे जो पुलिस वाले हैं, मैं एक बात ये बोलूंगा, आपने प्रेफरेंस में क्या भरा है, सर्विस प्रेफरेंस क्या है आपकी, वो तो जनरली सबको तैयार करना है, आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या है? सर्विस का कोई ऑप्शन आया नहीं था ना, अभी नहीं आया है। नहीं, मैं कह रहा हूं अब क्या है, मान ली आप आ गया, तब आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, इसी हिसाब से सर आपसे सर डिस्कशन कर प्लस रहा हूँ ना। सर मैं तो पहले डीएसपी भरूंगा, डीएसपी फिर एसडीएम। अब ये भर है ना, तो आपके लिए पॉजिटिव है कि भाई पुलिस जी डिपार्टमेंट, सर मुझे पुलिस जी डिपार्टमेंट में मुझे एक आगे बढ़ना है, बहुत बढ़िया। समझ, अगर यहाँ पे एसडीएम बढ़ते ना, तो थोड़ा सा निगेटिव जाती, और थोड़ा सा मतलब समझिएगा, हर चीज को डिफेंड करने का अपना तरीका होता है, इस बात से एकदम नहीं घबराना। देखिए सुनिएगा मुरीद, आपको एसडीएम भी भरना हो ना, तो बिल्कुल भरिएगा, पहली बात, मैं एकदम मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक पहली दफा मेरे दिमाग में एक निगेटिव लीजिए, लेकिन अगर आपने अपनी बात को डिफेंड किया बहुत अच्छे से, तो बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी, उतना ही मैं आपसे खुश हो जाऊंगा। जैसे भाई कई लोग आईपीएस होते हैं, आईएएस के लिए फिर से अपियर होते हैं ना, उनके पास सीधे सीधे उस बात का आंसर होता है, बड़ा वेल डिजर्विंग आंसर होता है कि भाई क्यों आप आईएएस वापस बनने के लिए क्यों एग्जाम दे रहे हो। तो इसके लिए घबराना नहीं है आपको, एसडीएम ही अगर पहले भरना है तो भरिएगा, मेरे से डिस्कशन कर लीजिएगा थोड़ा, मैं आपसे और डिस्कशन कर लूंगा, पहली बात, ठीक है। अच्छा, तो आपको अब केस समझ में आए कि जो जो पुलिस वाले केसेस चल रहे हैं प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, वो प्रॉपर तैयारी करना है। कुछ ऐसे मुद्दे कि भैया आजकल पुलिस में रील्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, है ना, अपने जो मतलब समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पे पुलिस वाले लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपका क्या व्यू है इस पे, सोशल मीडिया वाला आपका क्या व्यू है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर बनेगा। फिर दूसरी बात है, सर आपकी सर्विस में आपको क्या प्रॉब्लम होती है, आपको क्या लगता है, ठीक है, आप जिस पोस्ट पे है सर्विस में, आपको क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों नहीं सेटिस्फाइड है आप, क्यों एग्जाम वापस देना चाह रहे हैं, समझिएगा। तो इस बात को डिफेंड करना आपके अंदर आना चाहिए, सर मैं सर्विस से बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं पुलिस में सर अपग्रेडेशन चाहता हूँ, डीएसपी इसीलिए मैंने भरा, ठीक है, और समझिएगा इस बात को डिफेंड करना आपको प्रॉपर अच्छे से आना चाहिए। तो ये मेरे मेरे हिसाब से सर्विस वाली ये बात हो गई कि आपके सर्विस रिलेटेड, आप क्या काम करते हैं, आपकी सर्विस में क्या, जैसे आप किस पोस्ट पे है पुलिस में, कांस्टेबल सर्विस में कॉन्स्टेबल पढ़ते हूँ। पे, तो आपको डेली क्या क्या वर्क होता है ना, वर्क लाइफ बैलेंस कांस्टेबल का कैसा है, अगर आपको डीएसपी बना दिया जाए तो आप कॉन्स्टेबल्स के लिए क्या करना चाहेंगे, एज अ कॉन्स्टेबल आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम दूर, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, डीएसपी बनेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम आप टैकल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, तो कुछ सर्विस से रिलेटेड जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है वो आपको डिस्कशन करनी है। कि सर छुट्टियों वाली बड़ी प्रॉब्लम, मैं जानता हूँ ना, छुट्टियों वाली बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, 12 12 घंटे, 16 16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, होता है ना ऐसा, है ना, तो ये बात आप खुल के बताइएगा, एक बार डिस्कशन कीजिएगा, रियलिटी से मत भागिएगा। तो मेरे हिसाब से सर्विस वाले इस बात को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या बोल रहे थे? दूसरा क्वेश्चन मेरा हॉबी से रिलेटेड है। जैसे सर, मेरा हॉबी है क्रिकेट देखना और खेलना, और दूसरी मेरी है पढ़ना और पढ़ाना। तो सर, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ ना, थोड़ा इसमें अगर थोड़ा इनोवेटिव किया जाए, मतलब इन हॉबियों, मतलब कॉमन हॉबीज है तो इन्हें दूर करके कुछ नई हॉबीज, मतलब जैसे मेरा सर एक हॉबी है, मैं अपनी बहनों से बहुत बात करता हूँ, तो
पर डे कम से कम आधे घंटे में बहनों से जरूर बात करता हूँ अपने, तो अगर ये डाला जाए हॉबी में तो ये पॉजिटिव जाएगा कि मतलब मेरे हिसाब से देखिए पॉजिटिव जाएगा नो डाउट, अपने मैंने वही कहा पॉजिटिव तब जाएगा जब आप बढ़िया से डिफेंड कर पाए कि क्या बात करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है वो थोड़ा और सबसे बड़ी बात है बहनों से बात करना हॉबी नहीं है, वो आपकी निजता है, समझिएगा आपकी निजता है, मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा कि क्या बात किया आपने बहनों से, है ना, समझिएगा वो आपकी निजता है, है ना, परिवार में मैं बैठ के रोज अपनी मम्मी से बातचीत कर रहा हूँ वो मेरी हॉबी नहीं है, ज़्यादा कुछ समझिएगा वो एक हॉबी नहीं होती है, ठीक है। इनोवेटिव करने के चक्कर में कई बार हम क्या करते हैं ना सेल्फ गोल मार देते हैं, उससे भी बचना है, सेल्फ गोल से बचना है। क्रिकेट खेलना बहुत बढ़िया हॉबी है भाई, उसको क्यों उस बात से डर रहे हैं, बहुत बढ़िया हॉबी है। लेकिन मैंने अभी किसको समझाया था, रोहित को शायद मैंने बताया था कि क्रिकेट खेल लीजिएगा एक आध बार, अगर हॉबी है तो एक आध मैच खेल लीजिएगा जाके, पुलिस डिपार्टमेंट में कोई मैच वैच होता हो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, बता दीजिएगा सर मेडल जीता है, ठीक है। फिर और दूसरी हॉबी आपने कुछ बताई थी, पढ़ाना, पढ़ाना पढ़ाना बहुत बढ़िया हॉबी है ना, पढ़ाना बहुत बढ़िया हॉबी है सर, कुछ कॉन्सेप्ट तैयारी कर रहे हैं, पढ़ा देता हूँ कभी सर, अगर मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा वैसे पूछा जाए फिर आप मतलब टीचर लाइन में क्यों नहीं गए ऐसा कुछ, तो सर अगर मेरे पास नेट है तो मैं क्या डिफेंड करूंगा उसको कि मैं मतलब उसको ऐसे बोलूंगा, आप ये बोलेगा सर मेरी एज अ हॉबी तो मुझे पसंद है, ठीक है, इस बात को ऐसे क्लियर कट बता सकते हैं, एज अ हॉबी मुझे टीचिंग पसंद है, सर एज अ जॉब मुझे वो पसंद नहीं है, कुछ चीजें सर मैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहता हूँ, है ना, उसको एज अ जॉब के दायरे में बांध के मैं नहीं करना चाहता, जैसे मैं ये मतलब सेम सिचुएशन आपकी मेरी भी है, मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, पढ़ाना मुझे सबसे अच्छा काम लगता है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ,